लेकिन बच्चे हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन का। सबसे पहले देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन बच्चे आपका नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल या रियल कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑपरेशन दो एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है, दो ऑपरेंड है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आपका ऑपरेशन क्या है जो दो ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होगा। ऑपरेंड क्या है, मान लो ए और बी, ये हमारे दो ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेशन बच्चे आपने कोई भी स्टार को एक ऑपरेशन लगाया इसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे आपने मान लो दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया, 5 + 8 = 6 + 7, तो अगर किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें बच्चे, वो एक नेचुरल नंबर आएगा, यस आएगा बच्चे, तो बिलोंग्स टू एन। क्या किसी दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आना जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर तो बच्चे आपका ये एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन था, डिफाइंड है, बट क्या सब्ट्रैक्शन डिफाइंड है बच्चे? नहीं है। तो यहाँ आपका सब्ट्रैक्शन इज ए नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्लियर बच्चे, एन के लिए हमारा सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बट ये जेड में तो बिलोंग कर जाएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका जेड पर डिफाइंड हो गया, ठीक है बच्चे। यहाँ मल्टीप्लाई पर भी आपका नेचुरल नंबर पर अप्लाई हो गया, ये भी हो गया अप्लाई, ये एड पर भी, सब्ट्रैक्ट पर भी, मल्टीप्लाई पर भी। क्या बच्चे डिवीजन पर अप्लाई कर सकते हैं आप इसे इंटीजर में? नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शन पोर्शन आपका एक इंटीजर नहीं होता। तो दो नंबर्स को अगर हमने डिवाइड किया तो एक इंटीजर नंबर आए, कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब अगर एक भी आपको गलत केस मिल गया तो इज नॉट डिफाइंड फंक्शन। तो अब आपको बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन कुछ क्लियर हो रही है बच्चे। तो आपके दो कोई भी एलिमेंट्स है कहीं से बिलोंग होते, किसी भी सेट से, मान लो एस से बिलोंग करते हैं, आपने उसके ऊपर बच्चे कोई ऑपरेशन लगाना है, ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, ये कोई खुद दे दे बच्चे, क्योंकि एलसीएम हो, जीसीडी हो, कुछ भी गिवन कर सकते हैं। अगर जो ऑपरेशन आपको कह रखे हैं उस ऑपरेशन स्टार मान लेंगे, उस ऑपरेशन को क्या नेम दिया, स्टार, क्योंकि स्टार से बच्चे ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी। अगर दो ऑपरेशन पर हमने कोई भी, ठीक है, दो एलिमेंट्स पर कोई भी ऑपरेशन लगाया और उस ऑपरेशन को लगाने पर, उस बाइनरी ऑपरेशन को लगाने पर आपका वो एस में बिलोंग कर जाए, जो भी ऑपरेशन, चाहे मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, अगर वो एस में बिलोंग कर रहा है बच्चे, तो आप कहेंगे स्टार इज डिफाइंड या स्टार इज वेल डिफाइंड, ठीक है। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, तो ये हमारा ऑपरेशन डिफाइंड है, बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड, ठीक है। तो हमारा स्टार बाइनरी ऑपरेशन हमारा डिफाइंड हो गया, क्लियर है। अब आप रियल नंबर्स को उठा ले बच्चे, दो एलिमेंट ए और बी आर से बिलोंग करते हैं, आपको पता है बच्चे ए प्लस बी करो आर में जाएगा, ए माइनस बी करो आर में जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी करो आर में जाएगा, ए डिवाइड बी करो आर में जाएगा। तो इस पर सारे ऑपरेशन डिफाइंड हो गए ना, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पर डिफाइंड है, तो आर पर हमारा सभी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो जाते हैं, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो स्टार हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन तब भी डिफाइंड होंगे, हमने एक जनरल सा, हमने एक बाइनरी ऑपरेशन को क्या माना, स्टार से डिनोट कर दिया बच्चे, स्टार से, दो एलिमेंट्स के बीच में हमने स्टार लगाया, और अगर ये हमारा आर में बिलोंग कर जाए, किसी भी सेट में बिलोंग कर जाए, तो उस सेट पर बच्चे ये स्टार ऑपरेशन डिफाइंड हो गया, तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो, ठीक है बच्चे। अभी बाइनरी ऑपरेशन कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, क्लियर है। डिफाइंड कब होगा, सबसे तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है बच्चे, तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन कब डिफाइंड होगा, किसी भी दो एलिमेंट्स पर, और जो भी आपको ऑपरेशन बोला है, फॉर एग्जांपल स्टार, उन दो एलिमेंट्स पर अगर स्टार को अप्लाई किया और वो उसी सेट का एक एलिमेंट आ जाए, उसी सेट का कोई एक एलिमेंट आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। स्टेटमेंट क्लियर है बच्चे, कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, जो ऑपरेशन आपको बोला है वो डिफाइंड कराते हैं, आप लगा कर देखें, कोई भी अपने उसे एलिमेंट से उठाएं उसी सेट के अंदर से, और उस पर आपको वो ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी आंसर आया, अगर वो आंसर भी उसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले डिफाइंड हो गए, तो बाकी तो टाइप्स आपके बाद में आएंगे बच्चे। अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो हम टाइप्स तो देखेंगे नहीं। फंक्शन डिफाइंड होने के बाद बच्चे, ये स्टार ऑपरेशन क्या क्या काम, छोटा सा टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशन का, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, और नहीं तो आपके भी आते हैं, तो बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस में आते हैं, 1-1 मार्क्स में या 2-2 मार्क्स में, ठीक है बच्चे। तो हम छोड़ेंगे नहीं इस टॉपिक को,
तो आपका एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी आती है यहाँ से क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव की, छोटा सा टॉपिक है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, यस बच्चे होता है। देखो ए और बी दो एलिमेंट है, ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें, ठीक है। तो ये देखना क्या हर किसी पर कॉम्यूटेटिव डिफाइंड है। अब डिवीजन है, क्या डिवीजन में कॉम्यूटेटिव डिफाइंड होगा बच्चे आपको बताना मुझे। ए डिवाइड बी क्या इक्वल आता है बी डिवाइड ए के? नहीं, हमेशा तो इक्वल आना जरूरी नहीं है, तो यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। तो कॉम्यूटेटिव किस किस पर अप्लाई होगा बच्चे? एडिशन पर। क्या सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई है? ये नहीं होगा सब्ट्रैक्शन पर भी, और मल्टीप्लीकेशन पर। मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड, क्लियर है बच्चे? कॉम्यूटेटिव के लिए आप इसे चेक करना पड़ेगा पहले। हो सकता है आपको कुछ और ऑपरेशन दे दे, मान लो बच्चे जब आप क्वेश्चन करेंगे ए स्टार बी आपको खुद डिफाइन करके दे दे, टू ए प्लस बी आपको खुद बच्चे डिफाइन कर दिया इसमें, ए स्टार बी इसके इक्वल है। अब आपको ये चेक करना है क्या बी स्टार ए बी सी के इक्वल आएगा बच्चे? निकालना बी स्टार ए, ए की जगह बी है, बी की जगह ए है, इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दे। क्या जरूरी है बच्चे आंसर सेम आए? कोई एग्जाम्पल लेना, टू स्टार थ्री निकालो, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे टू इंटू पहला एलिमेंट प्लस थ्री, फोर प्लस थ्री सेवन। अब थ्री स्टार टू निकाले बच्चे, टू इंटू थ्री और प्लस टू, थ्री टू या सिक्स और टू एट, क्या इक्वल आए बच्चे? नहीं आए। तो टू स्टार थ्री नॉट इक्वल टू थ्री स्टार टू, तो नॉट इक्वल होते क्या कहेंगे? नॉट कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव तभी होगा बच्चे जब ए स्टार बी इक्वल आए बी स्टार ए। तो आपको चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं, और यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई ऑपरेशन आपको जरूर डिफाइन देगा ऐसे, और उसी में सब्स्टिट्यूट कर करके कोई एग्जांपल लेके आपको चेक करना होगा, क्लियर है? तो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, हमारा बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे बच्चे एसोसिएटिव के लिए? एसोसिएटिव में होते तीन एलिमेंट्स होंगे ए बी सी, मान लो किसी एस से भी हम करना है एस से, तो क्या कहेंगे बच्चे? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे हमारा एस ऑपरेशन कैसा है? एसोसिएटिव है। यहाँ भी कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू एस। थर्ड प्रॉपर्टी कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव वेल डिफाइंड के लिए आपको पहली प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी बच्चे कि ए बी अगर एस में है तो ए स्टार बी भी एस में होना चाहिए, सबसे मेन प्रॉपर्टी पर ले लिया आपने। अब थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखिए, आइडेंटिटी। आपको पता है बच्चे आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी चीज के लिए, कि अगर हमने उस पर कोई भी ऑपरेशन लगाया, कोई एक एलिमेंट है वो, अब मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट ढूंढ दूं जिस पर मैं स्टार ऑपरेशन लगाऊं तो ए का ही एलिमेंट आ जाए, तो वो एलिमेंट ई अज्यूम कर लेना, ठीक है ना? क्लियर है बच्चे? तो आपको क्या कहना आइडेंटिटी के लिए, लेट ए अगर कोई एस में बिलोंग करे तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एस सच दैट, जिसके लिए क्या होगा बच्चे ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, तो इज द आइडेंटिटी ऑपरेशन। कि अब ए एलिमेंट पर मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि मेरा ए का ए एलिमेंट आ जाए, टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा टू का टू आ जाए, वन से ही बच्चे, ठीक है। टू में मैं क्या ऐड करूं कि थ्री में कि मेरा थ्री का थ्री रह जाए, जीरो। तो मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी हमेशा वन, एडिशन की आइडेंटिटी हमेशा जीरो, क्लियर है? डिवीजन की आइडेंटिटी वन और मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी, सॉरी वो तो आपकी वन है, और सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी जीरो, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये था आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के बाद हमारी बारी आती है इनवर्स की बच्चे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, इनवर्स के लिए देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आपको इनवर्स निकालना आते हैं बच्चे किसी चीज का, लेट मान लो ए बिलोंग करे एस में तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एस, ए है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बी जरूर मिलेगा उसी सेट के अंदर, उसके लिए क्या कंडीशन होगी बच्चे? टू है, टू का इनवर्स क्या होगा बताना बच्चे? टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी आपको पता है वन होती है, तो टू को वन बाय टू से, टू में क्या ऐड करो, एडिशन की आइडेंटिटी आ जाए तो भी जीरो होती है, तो टू में क्या वो करेंगे बच्चे? माइनस टू, क्लियर हुआ ना? तो ये आपके इनवर्स निकल कर आते हैं। तो इनवर्स के लिए क्या कहेंगे बच्चे कि ए है,
ए में मैं ऐसा क्या ऑपरेशन लगाऊं, ठीक है, किस एलिमेंट के साथ लगाऊं कि मेरा ई आ जाए। ए के लिए मुझे ऐसा बी ढूंढना है बच्चे कि उन पर ऑपरेशन लगाने पर मेरा आइडेंटिटी आ जाए। तो आप क्या कहेंगे, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो बी हमारा ए का क्या हुआ बच्चे, इनवर्स। क्या क्लियर हुआ, या ये कह सकते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी, क्योंकि इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। तो किसी ना किसी ए के लिए अगर आपको कोई ना कोई सब बी ढूंढना है, इस पर ऑपरेशन लगा दो, उस आइडेंटिटी के बोला जाए, तो ये हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी थी। और सबसे मेन प्रॉपर्टी बाइंड ऑपरेशन करते यही है बच्चे, ये भी अगर एस में है तो ए स्टार बी करे तो वो भी एस में होगा, तो एस इज वैलिड फॉर। आगे तो हमारी प्रॉपर्टी बाद में चलेगी, क्लियर है। फिर ये आपके कम्यूटेटिव के लिए, ये एसोसिएटिव, ये आइडेंटिटी और ये इनवर्स, क्लियर है बच्चे, ठीक है।